अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे बच्चे कैसे हैं आप सब? हम क्लास 8 बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और बच्चे मेरे, आपको तो पता है, अभी आप देख रहे हैं उकाब 1.0, जहां पे आपको हमारे डिजिटल लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिकई क्लासेस फाउंडेशन। और बच्चे मेरे, हमारे लेक्चर नोट्स आपको चाहिए ना, हमारी ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है सिकई क्लासेस। ऐप में जाओ, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, हर संडे क्लास टेस्ट होता है, जो भी बच्चा टॉप करता है उसको हमारी ओर से एक गिफ्ट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तीन चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा बच्चा मेरा, बात को गौर से समझो, आज हमें पढ़ना क्या है, एक अलग टॉपिक है। हमने पहले रिप्रोडक्शन का चैप्टर जब इख्तिताम किया, अब उसके बाद आपने बताया सर ये जो इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये हमें टफ लगता है सर, स्कूल्स में एग्जाम है। तो बच्चे मेरे, मैंने यही स्टार्ट किया, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई? हमें फूड बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस बंदे की कल शादी हो जाएगी, इसके बच्चे आएंगे, अरे बच्चे क्या खाएंगे, फूड तो ज्यादा होना चाहिए ना दुनिया में, ठीक है। आपको पता है ना, हमें फूड को इंक्रीज करना है। अगर हमें फूड को इंक्रीज करना है तो, बट बात यह है फूड आता कहां से है, वही चीज हमें इंक्रीज करने है। एक तो हमें प्लांट से फूड मिलता है और एनिमल से फूड मिलता है, और प्लांट्स वाला फूड इंक्रीज करना बेटे वो आता है एग्रोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। वो हमने पढ़ा कैसे हम क्रॉप्स को इंप्रूव करें। बट अब उसके बाद दूसरा जो फूड हमें मिलता है, जो दूसरा सोर्स है, वो है एनिमल्स वाला सोर्स, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक ना, जो हमारे घर में डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे हमें फूड मिलता है, ठीक है। गाय से दूध मिलता है, शीप से गोश्त मिलता है, इसी तरह बेटा मुर्गी से क्या अंडे मिलते हैं, ठीक है, जो चिकन वगैरह उनसे तो प्रोटीन वाला गोश्त मिलता है। इसका मतलब यह है भाई, हमें एनिमल्स से भी फूड मिलता है, तो हमें एनिमल्स को भी इंप्रूव करना है। तो इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो है वो है इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक, यानी कि जो घर में डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको इंप्रूव करना है। इस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं भाई कि वो ज्यादा ज्यादा दूध देने चाहिए, वो ज्यादा ज्यादा अंडे देने चाहिए, वो ज्यादा ज्यादा बेटा क्या हनी देने चाहिए, हाँ शहद, और बच्चे मेरे वो ज्यादा ज्यादा गोश्त देने चाहिए। तो इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच होता है, अभी हम देंगे, एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे वगैरह घर दे, ठीक है। तो बच्चे मेरे, अब इस चैप्टर में दो टॉपिक जो हैं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ लिया, और इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स को हम कैसे इंप्रूव करें ताकि उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा फूड हासिल हो जाए। चलो बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्या एनिमल हस्बेंड्री आपके सामने, क्योंकि मैंने पहले ही दिन बोला था चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, एग्रोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी में हम करते हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को कैसे ज्यादा बढ़ाए, और एनिमल हस्बेंड्री में हम देखते हैं कि जो एनिमल जो हमें फूड देते हैं हम उन एनिमल्स को कैसे बढ़ाएं, हम उन एनिमल्स को प्रॉपर केयर कैसे करें, हम उन एनिमल्स को हाइब्रिड एनिमल्स कैसे बनाएं ताकि बेटा वो हमें क्या दे, ज्यादा से ज्यादा फूड दे। तो बच्चे मेरे, पहले ही हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। देखिएगा एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री भाई पहले समझेगा, उसके बाद हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला है एग्रीकल्चर, ये चैप्टर है एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में दो आपको ब्रांच मिलेंगे, दो बेटा टॉपिक्स मिलेंगे। एक मिलेगा एग्रोनॉमी, जिसमें हम पढ़ते हैं हाउ टू इंप्रूव द क्रॉप्स, क्रॉप्स को हम कैसे इंप्रूव करें उसी को हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। और इस एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा, दैट इज बेटा एनिमल हस्बेंड्री, कि एनिमल्स को हम कैसे इंप्रूव करें, इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक। पहले ही बेटा, पहले लेक्चर में मैंने आपको ये समझा है। तो आज जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, इसमें फिर हमें पढ़ना है इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक। जो जानवर हमारे घर में है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो मछलियां हैं, जो शहद की मक्खियां हैं, जो बेटा पोल्ट्री बर्ड्स हैं, मुर्गियां वगैरह हैं, तो हम इनको कैसे इंप्रूव करें, हम इनको कैसे बेहतरीन जानवर बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या दे, फूड दे, दूध दे, ठीक है, शहद दे। तो वो, क्योंकि वो हमारा फूड होता है। एनिमल हस्बेंड्री में यही पढ़ना है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये बेटा एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, या एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जानवरों के, ये कैटल्स के बारे में, कैटल मीन्स जो घर में गाय भैंस शीप होता उनके बारे में हम पढ़ते हैं,
और शहद की मक्खियों के बारे में पढ़ते हैं और मछलियों के बारे में पढ़ते हैं और बेटा पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम कैटल्स कैटल्स में जो घर में डोमेस्टिक एनिमल्स है, जिसमें हम डोमेस्टिक कैटल्स के बारे में पढ़ते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, मछलियों के बारे में पढ़ते हैं और बेटा हनी बीज के बारे में पढ़ते हैं। इस ब्रांच जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं शहद की मक्खियों के बारे में, जिस ब्रांच में हम मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में हम पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में हम कैटल्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को बेटा हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बेटे हम पढ़ते हैं कैटल्स के बारे में, पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में, फिशेस के बारे में एंड हनीबीज के बारे में। ठीक है बच्चे मेरे, चलो उनको हम कैसे, यानी कि इन चार किस्म के जानवरों को हम कैसे फूड देते हैं, इनको हम कैसे पालते हैं, इनको हम कैसे घर बनाते हैं, इनको हम क्या बीमार पड़े तो कैसे इलाज करते हैं, उसके बाद हम इनसे कौन कौन सा फूड हासिल करते हैं, ये सारा बेटा अगर इसमें आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फार्मिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर दियर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। डोमेस्टिक एनिमल्स में बेटा कौन कौन आता है? यस बेटा, इसमें मछलियां भी आती है, इसमें बेटा कैटल्स भी आते हैं, इसमें बेटा पोल्ट्री बर्ड्स भी आते हैं, हनी बीज भी आते हैं। ठीक है, चलो हाँ, अब रिमेंबर ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक, इसको हम बोलते हैं पोल्ट्री बर्ड्स कैटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं इकट्ठे? लाइव स्टॉक। यही होता है लाइव स्टॉक। क्या होता है जो घर में जो आपको है ना, ये आपको पता है ना, ये क्या बोलते हैं पोल्ट्री बर्ड्स है, ये जो जानवर आपके घर में है, गाय भैंस शीप में बकरी वगैरह, सारा बेटा लाइव स्टॉक में आता है। इसलिए बेटा एनिमल हस्बेंड्री को हम दूसरा नाम देते हैं क्या, एनिमल फार्मिंग, क्योंकि हम इसमें क्या एनिमल्स को पालते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनिमल, ये यानी कि एनिमल फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? काउ वुल बुफेलो या गो डियर शीप कैमल एटसेट्रा आता है। ठीक है, अब देखो सर, जो ये आपने चार कसम के अभी बताए ना, ये हनी बीज, इसमें एनिमल हस्बेंड्री में हम हनी बीज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें बेटा हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिशेस के बारे में, कैटल्स के बारे में। रिमेंबर बेटा मेरा, जितने भी ये जानवर एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, एक बात याद रखना, एनिमल हस्बेंड्री बेटा, ये मैंने एक पॉइंट लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी डोमेस्टिक एनिमल्स आर ग्रुप्ड, जितने भी हम डोमेस्टिक एनिमल्स जो है ना, जितने भी ये डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम पालते हैं बेटा, हमने उनको चार ग्रुप्स में बांटा है। डोमेस्टिक एनिमल्स को हमने चार ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को हम बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, क्योंकि ये वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये वो देखो मिल्क प्रोड्यूसिंग, देखो एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी जानवर आते हैं, हमने उन जानवरों को बेटा चार ग्रुप्स में बांटा है। कुछ जानवरों को हम बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग, ये वो जानवर होते हैं जो दूध देते हैं, इसमें गाय बुफेलो गोट आती है, और होता है बेटा हाँ कुछ जानवरों को, देखो एनिमल हस्बेंड्री में कुछ जानवर आते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या मीट एंड एग प्रोड्यूसिंग, वो बेटा ये गोश्त देते हैं और एग देते हैं। कौन कौन इसमें आता है? डक्स हैं, फॉवल्स हैं, मुर्गियां वगैरह ना, और शीप गोट आता है। ठीक है, ये मीट देते हैं और वो क्या देते हैं? एग देते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा हाँ एनिमल हस्बेंड्री में कुछ जानवर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, देखो हमें डोमेस्टिक एनिमल से या एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी जानवर हैं, हमें उन जानवरों से क्या क्या फायदा मिलता है, हम उनसे क्या क्या फायदा हासिल करते हैं, ठीक है, हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से बेटा हमने डोमेस्टिक एनिमल्स को चार ग्रुप्स में बांटा है। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को हमने वो दूध देते हैं, हमने इसलिए उनको हम बोला है मिल्क प्रोड्यूसिंग। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स क्या देते हैं? गोश्त और एग्स देते हैं, हमने उनको बोला है मीट एंड एग प्रोड्यूसिंग। और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स बेटा हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, यानी कि ज़राअत में काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, इसलिए हमने उन जानवरों को बोला है ड्रॉट एनिमल्स, ये काम करने वाले जानवर होते हैं, जैसे बेटा हॉर्स हैं, डंकी हैं, बुलॉक्स हैं, ठीक है, इस तरह बेटा ऑक्स हैं। ठीक है, ये वो जानवर हैं जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, ये भी एनिमल हस्बेंड्री का एक बेटा पार्ट है। एक होता है वो वाले डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमें वूल देते हैं, फाइबर देते हैं, फाइबर मींस वूल देते हैं, और ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं फाइबर यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, या वूल यील्डिंग एनिमल्स, ये वो जानवर होते हैं जो हमें वूल देते हैं, इसमें शीप गोट कैमल आता है। इसका मतलब बेटा एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी जानवर आते हैं ना, हम उन जानवरों से क्या फायदा हासिल करते हैं, उस हिसाब से हमने इन जानवरों को बेटा चार ग्रुप्स में बांटा है। कुछ जानवर दूध देते हैं तो मिल्क प्रोड्यूसिंग, और कुछ जानवर यानी कि एग्स देते हैं और मीट देते हैं तो मीट
वीट एंड एग प्रोड्यूसिंग, और कुछ जानवर हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं तो ड्रॉट एनिमल्स, और कुछ जानवर बेटा वो बेटा हमें वूल देते हैं, फाइबर देते हैं, हम उनको बोलते हैं फाइबर यील्डिंग एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ओवरऑल बेटा जब मैंने आपको बताया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अभी बेटा एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट नहीं हो गया, अभी हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, पहले बात को गौर से समझो मेरे बच्चे। जब मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन जबरदस्त बड़ी लेवल पे करना है, मींस कि अगर आप बेटा क्रॉप प्रोड्यूस यानी कि एग्रोनॉमी का काम करना चाहते हैं, अगर आप क्रॉप्स को बढ़ाना चाहते हैं, एक बेहतरीन जमींदारी करना चाहते हैं, देन व्हाट यू शुड डू, आपको करना क्या है, हमें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है, हमें वो तीन काम कर रहे हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है ना, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। बोला था ना आपको ये तीन काम कर रहे हैं, बोला था नहीं बोला था, इसका मतलब बेहतरीन क्रॉप हासिल करने के लिए, सुनो बेहतरीन क्रॉप हासिल करने के लिए बेटा आपको क्या करने है, वो तीन काम करने हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वो काम किए तो आपका क्रॉप जबरदस्त बन सकता है। सेम बेटा अगर आप डोमेस्टिक एनिमल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बेटा वैरायटी इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको आप हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी के बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक गाय जो है ना 10 लीटर के बजाय बेटा 20 लीटर दूध दे, अगर आप चाहते हैं मुर्गी जो 100 अंडे साल में देती है वो 200 अंडे देनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जो हनी बीज हैं ये एक साल में दो बेटा केजी हनी देते हैं, ये 5 केजी हनी देने चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं ना कि हमारे जो जानवर हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री में जो डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं, जो जानवर आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट दे, कि इंप्रूव हो जाए, कि जबरदस्त बन जाए, बेटा आपको भी फिर कुछ काम करना है, आपको फिर बेटा फिर क्या करना है, ये एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे काम आते हैं, जैसे एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि वो ना क्रॉप इंप्रूवमेंट में जैसे वो तीन काम आते हैं ताकि आपकी क्रॉप जो है ना बेहतरीन बनती है, सेम अगर आप चाहते हैं कि हमारे जानवर जो है ना ज्यादा ज्यादा दूध दें, ज्यादा ज्यादा हनी दे, ज्यादा ज्यादा फिशेज प्रोड्यूस करें और ज्यादा ज्यादा बेटा क्या अंडे दे, तो आपको पता है करना क्या, तो बेटा हमें फिर ये 5 काम करने हैं, हमें फिर ये 5 काम करने हैं, तब जाके आपकी गाय जो है ना 10 लीटर के बजाय 30 लीटर दूध दे सकती है, आपकी जो मुर्गी है आपको पता है बेटा आपकी मुर्गी 100 अंडों के बजाय 300 अंडे दे सकती है, और आप जो मछली जो 1 केजी बढ़ती है वो 3 केजी बढ़ जाएगी, और आपके जो हनी बीज हैं वो बेटा 1 केजी हनी के बजाय 3 केजी हनी प्रोड्यूस करेंगे साल भर। इसका मतलब बेटे ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी एनिमल्स आते हैं, चाहे वो हनी बीज हैं, चाहे वो बेटा कैटल्स हैं, जितने भी एनिमल्स आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट दे, ज्यादा ज्यादा फूड हमें दे, क्या दे, ज्यादा ज्यादा हमें फूड दे, तो आपको पता है बेटा आपको फिर ये 5 काम करना है, क्या काम करना है, ये 5 काम आपने करना है, तब जाके बेटा आपको जो है ना डोमेस्टिक एनिमल से ज्यादा ज्यादा फूड हासिल हो सकता है अगर आपने 5 काम किए। तो यही मैंने बोला बेटा एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या करते हो, इतना ही नहीं बेटा, आपने गाय लाई बस गाय से दूध लिया तो बस ऐसे रखो उसको, बस घास डालो तो आप ऐसे ही बचेंगे, नहीं नहीं, अगर आप चाहते हैं आपकी गाय 3 लीटर के बजाय 5 लीटर दूध दे, 5 लीटर के बजाय 15 लीटर दूध दे, तो बेटा आपको ये चीजें करनी है, ठीक है, इसका यही तो एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में जिन जानवरों को आप पालते हो उनके साथ आपने क्या क्या करना है, उनके साथ बेटा ये काम कर रहे हैं, तब जाके बेटा वो फूड ज्यादा ज्यादा दे सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आपने क्या क्या काम करना पड़ता है, पहला काम है बेटा प्रॉपर फीडिंग। प्रॉपर फीडिंग का मतलब मिसाल के तौर पर बेटा मैंने एक गाय को लाया, या बेटा हाँ चलो मैंने एक गाय को लाया, गाय को मैंने घर लाया, अब पहले ही मैं तो अब बेटा एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहा हूं, पहले ही मैंने करना क्या है, मैंने बेटा इसको प्रॉपर फीडिंग करनी है। प्रॉपर फीडिंग का मतलब मैंने इसको खाना देना है, प्रॉपर खाना, सिर्फ घास फूस नहीं देना है, मुझे इसको अच्छी फीड देनी है, अच्छी फीड जिससे ये हेल्दी भी बने, दूध भी ज्यादा दे, ठीक है, इसी को बेटा हम बोलते हैं प्रॉपर फीडिंग। ये आगे हमें पढ़ना है, तो एनिमल हस्बेंड्री में पहला ही काम जो आपने करना होता है वह है प्रॉपर फीडिंग, कि जानवरों को बेटा आपने प्रॉपर फूड देना है, प्रॉपर गुजा देना है, इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फीडिंग। दूसरा काम आपने करना क्या है, प्रॉपर शेल्टरिंग। प्रॉपर शेल्टरिंग का मतलब बेटे होता है कि उनको घर देना है, प्रॉपरली घर, ऐसे नहीं अब टीन का शड्डा आपने बनाया, ये गाय को लाए तो बैठ जाओ वहां,
रहना है तो रहो, रहना नहीं है तो निकल जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक गाय को पालना है, पहले इसको आपने प्रॉपर फूड देना है, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फीडिंग, और दूसरा काम करना है प्रॉपर शेल्टरिंग। क्या मतलब? इसको प्रॉपर घर देना है, ऐसा घर जहां पे इसको सर्दी भी ना लगे, गर्मी भी ना लगे, ठीक है, जहां पे इसको चूहे तंग भी ना करे, सांप भी ना घुसे, ठीक है, ऊपर से धूप भी ज्यादा ना पड़े, और बेटे इसको बारिश के कतरे टपक ना इसके ऊपर जाए, तो यानी कि प्रॉपर शेल्टरिंग, प्रॉपर घर देना है। और तीसरा काम करना है प्रॉपर हीडिंग। प्रॉपर हीडिंग का मतलब बेटा मैनेज कर रहे हैं, मीन्स क्या, अगर एक गाय बीमार पड़ गई, इसको प्रॉपर केयर करना है, प्रॉपर बेटा क्या करना है, इलाज करना है, मेडिकेशन करनी है, प्रॉपर बेटा ट्रीटमेंट करना है, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर हीडिंग। ऐसे नहीं है गाय बीमार पड़ गई बस ऐसे बस रहने दो, नहीं नहीं प्रॉपर हीडिंग का मतलब इसको प्रॉपरली बेटा क्या करना है, इसको मैनेज करना है, केयर करना है, बीमार पड़ी तो इलाज करना है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर हीडिंग। नेक्स्ट करना है प्रॉपर ब्रीडिंग। प्रॉपर ब्रीडिंग का मतलब यह होता है, देखो बेटा प्रॉपर इसकी अच्छी नस्ल आनी चाहिए, हम चाहते हैं कि जो ये बच्चा दे वो बच्चा जो ना हाईब्रिड बच्चा हो, वो बच्चा हाई क्वालिटी का बच्चा हो, हाईब्रिड बच्चा हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर ब्रीडिंग। कि नस्ल कशी जब ये करे, वो नस्ल कशी में ये बच्चे बेहतरीन बच्चे दे, हाईब्रिड बच्चे दे, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर ब्रीडिंग। ऐसे नहीं है ए गाय जैसे तुझे मर्जी है बच्चे दे दो, नहीं, प्रॉपर ब्रीडिंग करानी है। मीन्स क्या, वो आगे हम पढ़ेंगे ना डिटेल से प्रॉपर ब्रीडिंग कैसे करती है, इंसेमिनेशन वगैरह से, इसको इससे बच्चे भी बेहतरीन आने चाहिए, वो हमारा काम है। नेक्स्ट बेटा करना है हाँ, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और उसके बाद जब ये गाय दूध दे, क्या, जब ये गाय मिल्क दे, और इस मिल्क को बेटा क्या करना है, प्रॉपरली बेटा यानी कि मैनेज करना है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है इस दूध को, ठीक है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। शीप गोश्त देता है, उस गोश्त को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। मैं ये मुर्गी अंडे देती है, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री में, आई रिमेम्बर बेटे, एनिमल हस्बेंड्री जो है ना एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप हनी बीज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें आप बेटा कैटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, हाँ पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका टेक केयर कैसे किया जाता है, उनको कैसे संभाला जाता है, बीमार पड़े तो कैसे इलाज किया जाता है, और उनको कौन कौन सा फूड हम प्रोवाइड करते हैं, ये सारा बेटा एनिमल हस्बेंड्री में आता है। और एनिमल हस्बेंड्री के आस्पेक्ट्स ये हैं, आस्पेक्ट्स का मतलब आपको एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी जानवर आते हैं, और अगर आप चाहते हैं वो जानवर ज्यादा ज्यादा फूड दे, अच्छा सा फूड दे, सॉरी यानी कि अच्छा सा हमारे लिए बिल्कुल प्रोडक्ट दे, तो आपने करना क्या है बेटा, आपने ये पांच काम करना है, इन्हीं को हम बोलते हैं आस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आपने क्या क्या करना पड़ता है जिसकी वजह से आपका जो फूड है, जिसकी वजह से आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्या क्या करना पड़ता है जरा मेरे साथ बताओ, पहले आपको प्रॉपर फीडिंग, जो अब जो डोमेस्टिक एनिमल है इसको प्रॉपरली खाना देना है, दूसरा है प्रॉपर शेल्टरिंग कि जो डोमेस्टिक एनिमल है इसको प्रॉपरली घर देना है, प्रॉपरली घर बनाना है, तीसरा है प्रॉपर हीडिंग, ये डोमेस्टिक एनिमल बीमार पड़ा तो इसको बेटा प्रॉपरली इलाज करना, नेक्स्ट है प्रॉपर ब्रीडिंग, जो डोमेस्टिक एनिमल है इससे हाइब्रिड बच्चे प्रोड्यूस कराना, ठीक है, इसको हम प्रॉपर ब्रीडिंग बोलते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो डोमेस्टिक एनिमल जब यानी कि प्रोडक्ट देता है, यानी कि दूध देता है या हनी देता है, या डोमेस्टिक एनिमल बेटा क्या करता है, जब वो प्रोडक्ट देता है उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ये है बेटा हमें एनिमल हस्बेंड्री के आस्पेक्ट, इस हिसाब से चलना होता है, यही तो है मैनेजमेंट ऑफ बेटा एनिमल हस्बेंड्री आस्पेक्ट। जैसे आपने क्रॉप इंप्रूवमेंट में आपने क्या क्या कर रहे हैं, आपने वो तीन काम कर रहे हैं, सेम बेटा एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप चाहते हैं कि हमारा जानवर प्रॉपर यानी कि बेहतरीन फूड दे, तो बेटा आपने ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हाँ देखो एनिमल हस्बेंड्री के चार पार्ट्स हैं, अच्छे से बेटा बात को समझेगा, एनिमल हस्बेंड्री में चार पार्ट्स आते हैं, क्या चार पार्ट्स का क्या मतलब, देखो इसके चार ब्रांच हैं, एनिमल हस्बेंड्री के चार ब्रांच हैं, एनिमल हस्बेंड्री के चार ब्रांचेस हैं, चार ब्रांच हैं एनिमल हस्बेंड्री के, बिल्कुल। एक होता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री के चार ब्रांच हैं, पार्ट्स हैं, एक होता है कैटल फार्मिंग, इसमें बेटा हमें सिर्फ किन के बारे में पढ़ना है, कैटल फार्मिंग में हमें सिर्फ गाय भैंस यानी कि और शीप्स के बारे में, जो हमारे घर में जो जानवर होते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस होता है, ठीक है ना, शीप होते हैं बेटा उनके, ये उसी को बोलते हैं कैटल फार्मिंग, वो अलग एनिमल हस्बेंड्री का वो वाला ब्रांच जिसमें गाय भैंस शीप आता है उसको हम बोलते हैं कैटल फार्मिंग, मवेशी कैटल्स आते हैं।
और एनिमल हज ये कैटल फार्मिंग बेटा पता है ना, कैटल फार्मिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि कैटल फार्मिंग से हमें फायदा होता है, कैटल फार्मिंग से हमें मीट वगैरह हासिल होता है, समझ आया ना? देखो एनिमल हस्बेंड्री के बेटा चार ब्रांच है, बस ये लास्ट है। एनिमल हस्बेंड्री के बेटा चार क्या है, ब्रांच है, चार ब्रांच है। हमने डोमेस्टिक एनिमल्स को चार ग्रुप्स में बांटा है, या एनिमल हस्बेंड्री के चार ब्रांच होते हैं। पहला ब्रांच है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हमने किस किस जानवर को रखा है? अब इसमें बेटा हमने काउ को रखा है, बुफेलो को रखा है, ठीक है, और बेटा इसमें हमने ऑक्स को रखा है, इसमें हमने शीप को रखा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो जानवर है ना, काउ, बुफेलो, ऑक्स, शीप, ये आते हैं कैटल फार्मिंग में, क्योंकि बेटा ज्यादातर इनसे बेटा दूध हम हासिल करते हैं। सारे जानवर सो नहीं, इनमें से ज्यादातर हम क्या करते हैं, दूध हासिल करते हैं, कैटल फार्मिंग इसको बोलते हैं। ये है बेटा एनिमल हस्बेंड्री का पहला ब्रांच, कैटल फार्मिंग, ठीक है। हाँ, इसके भी फिर टाइप से आगे देखेंगे, ये हम कल उठाएंगे ना, पहले ये कैटल फार्मिंग। दूसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा ब्रांच है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? इसमें बेटा पोल्ट्री बर्ड्स आते हैं, जैसे बेटा इसमें हैन आती है, मुर्गी, ठीक है, इसमें बेटा फॉवल्स आते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ ये आते हैं, और इसमें डक वगैरह, ठीक है, बतख, ठीक, ये आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग हम क्यों करते हैं बेटा? पोल्ट्री फार्मिंग से हमें मीट और बेटा एग्स हासिल होते हैं, मीट और एग्स हासिल होते हैं, समझ आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट बेटा एनिमल हस्बेंड्री का तीसरा जो ब्रांच है वो हमें, ये भी अलग हमें पढ़ना है पोल्ट्री फार्मिंग, तीसरा ब्रांच है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग बेटा पाइसिकल्चर है, फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में क्या हम पढ़ते हैं बेटा? मछलियों के बारे में, फिशेज के बारे में, ठीक है, फिशेज के बारे में हम पढ़ते हैं, ये अलग हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना फिश फार्मिंग, इसके टाइप्स फिर पढ़ेंगे। फिशेज को हम क्यों पालते हैं बेटा? क्योंकि प्रोटीनेशियस फूड, या एज फूड हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री का जो चौथा ब्रांच है वो है बेटा हनी बी कीपिंग, यानी कि हनी बी फार्मिंग, या बी फार्मिंग, या बी कीपिंग इसको हम बोलते हैं, या हनी बी कीपिंग बोलते हैं, हनी बीज को पालना। ये भी बेटा एनिमल हस्बेंड्री का एक ब्रांच है, ठीक है, या पाइसिकल्चर, ये ना क्या बोलते हैं, ये एपिकल्चर, ये यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के चार ब्रांच हैं। एक वाला ब्रांच होता है जिसमें हम सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, उसको हम कैटल फार्मिंग बोलते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा ब्रांच जिसमें बेटा हम पोल्ट्री बर्ड्स को पालते हैं उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, और एनिमल हस्बेंड्री का तीसरा ब्रांच बेटा जिसमें हम सिर्फ मछलियों को पालते हैं उसको हम बोलते हैं फिश फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री का चौथा जो ब्रांच है जिसमें बेटा हम हनी बीज को पालते हैं उसको हम बोलते हैं हनी बी कीपिंग, इसमें हम बेटा हनी बीज को पालते हैं। क्यों? क्योंकि हनी बीज भी बेहतरीन एक फूड देते हैं बेटा, हनी देते और वैक्स देते हैं, हनी और वैक्स देते हैं। आपको बेटा आ रहा है समझ? आपको समझ आ रहा है मैं क्या आपको बता रहा हूं? इसका मतलब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, और हनी बीज के बारे में पढ़ते हैं कि हम इनको कैसे मैनेज करें, टेक केयर करें, इनसे हम कैसे फूड हासिल करें, ठीक है। यह है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में मुझे आप बताएं कितने एस्पेक्ट्स हैं, मींस कि एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या क्या करना पड़ता है? एनिमल हस्बेंड्री में बेटे मेरे हमें पांच काम करने पड़ते हैं, प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर शेल्टरिंग, प्रॉपर हीडिंग, प्रॉपर ब्रीडिंग, एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डियर बेटा प्रोडक्ट। उसके बाद बेटा मुझे बताएं एनिमल हस्बेंड्री के कितने ब्रांचेस हैं, एनिमल हस्बेंड्री में हम कितने ब्रांच होते हैं मुझे बताओ? चार ब्रांच, एक होता है कैटल फार्मिंग जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं, दूसरा होता है पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है फिश फार्मिंग इसमें मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, हनी बी फार्मिंग शहद की मक्खियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा कल इंशाल्लाह, आज मैंने सिर्फ आपको एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन दिया, इसके ब्रांच और एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, और कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में सिर्फ चार दिन इंशाल्लाह लगेंगे, कल हम उठाएंगे बेटा कैटल फार्मिंग के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं कौन कौन सा होता है, हम इनको हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं, क्या क्या फूड देते हैं, इनका घर कैसे होना चाहिए, और फिर हम इनसे हासिल क्या क्या करते हैं और इनके टाइप्स पढ़ेंगे, वो सारा इंशाल्लाह कैटल फार्मिंग। उसके बाद हम आएंगे पोल्ट्री, फिश और हनी बी कीपिंग पे, ठीक है। तो बेटे मेरे आज का ये सेशन इख्तिताम पज़ीर होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय।